अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं गर्ल्स एंड बॉयज़ की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाली हूँ, और वो प्रॉब्लम है एक्ने की। अमूमन ये प्रॉब्लम जो है समर्स में दुगनी हो जाती है, क्योंकि समर्स में हीट बहुत ज़्यादा होती है, और हीट होने की वजह से हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू हो जाती है। और जब हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रही होती है ना, तो पोल्यूशन और डर्ट हमारी स्किन में डायरेक्ट जाकर लगती है, और फिर वो पिम्पल्स की सूरत में बाहर निकलती है। तो अगर आप लोग भी अपने पिंपल्स को ख़त्म करना चाहते हो, अवॉइड करना चाहते हो, अपने पिंपल से बचना चाहते हो, तो समर्स के लिए ये एक्ने ट्रीटमेंट बेस्ट है। इसको लाजमी करना। वैसे भी अमूमन आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो ट्रीटमेंट ऑलरेडी करवा रहे होंगे, और अगर आप लोग ये ट्रीटमेंट्स जो है एक्ने की, पिम्पल्स की, बाहर से करवाते हो ना, तो तकरीबन हज़ारों में आपको ये जो है ना ट्रीटमेंट आराम से पड़ जाती है। और फिर उसका क्या होता है इन दी एंड, आपके दाग धब्बे जो पिंपल्स वगैरह होते हैं वो तो दब जाते हैं, लेकिन उसकी जगह खड्डे छोड़ जाते हैं, या फिर समटाइम्स छाइयाँ निकल आती हैं, फ्रैकल्स निकल आते हैं, और आपका चेहरा जो है ना कोई निशान जो है वो एक्ने या पिंपल छोड़कर चला जाता है क्रीम्स इस्तेमाल करने की वजह से। ख़त्म तो हो जाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हम लोगों को ऐसी ट्रीटमेंट करनी है कि हमारे दाग धब्बे भी ख़त्म हो जाएँ, पिम्पल्स भी ख़त्म हो जाएँ, और हमारी स्किन बिल्कुल नीट, क्लीन, फ्रेश और क्लियर हो जाए। हर किसी की विश होती है कि उसकी स्किन जैसी भी हो, कलर कॉम्प्लेक्शन जैसा भी हो, लेकिन क्लियर जो है वो स्किन होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जब आपके चेहरे में पिंपल्स हो, एक्ने हो, आपका चेहरा जो है वो ख़राब हो चुका हो, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ये वीडियो देखनी चाहिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आपके पिंपल्स का लेकर के आई हूँ सॉल्यूशन, और एंड में इसे लाइक ज़रूर कर देना। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। फ्रेंड्स, बेसिकली हमारे जो पिंपल्स होते हैं ना, उनका ताल्लुक एक्सटर्नल नहीं होता, इंटरनल भी होता है, क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो प्योरीफाई नहीं होता, हॉट होता है, और उसकी वजह से पिंपल्स जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं। और ये पिंपल ऐसी चीज़ होती है कि रातों रात जो है ना आप उसकी ट्रीटमेंट करके सोए हो, और रातों रात आपका फेस जो है ना वो भर जाता है। और ख़ास तौर पर ये पिंपल तो बिन बुलाए तब आते हैं जब आपका कोई ओकेजन हो, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है कि सामने एक दाना निकल आया है और एक ओकेजन आ गया है। तो बस आप लोगों ने क्या करना है, क्योर करना है अपने पिंपल्स को। बहुत ही सिंपल सी मैं आप लोगों को स्किन केयर रूटीन बताऊंगी, जिसको आपने अगर 15 दिन भी फॉलो कर लिया, आपका चेहरा हो जाएगा नीट, क्लीन और पिंपल फ्री हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी दाग धब्बे हैं, ओपन पोर्स हैं, लार्ज पोर्स हैं, या फिर आपके स्किन में कोई भी किसी भी किस्म की छाइयाँ हैं, तो वो सब की सब ख़त्म हो जाएंगी। और ये इतना इनएक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है कि आप लोग जो है ना मुझे दुआएँ देने वाले हो कि आपने हमें क्या बता दिया। आपको कहीं भी इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, आपको जाना है अपने घर के बाहर, और बाहर बहुत सारे होंगे नीम ट्रीज़, और वहाँ से आपने कुछ कुछ नीम ट्रीज़ जो है ना वो उतार कर लेकर आ जाना। नीम ट्रीज नहीं बल्कि नीम के पत्ते उतार कर लेकर आने हैं, और उनको जो है उनसे हम जो है ये अपनी ट्रीटमेंट करने वाले हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि नीम जो है वो एज अ गिफ्ट है, एज अ मिरेकल है अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए, जो कि हमारे फेस की बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करता है। तो आज हम लोग नीम लीव से ही अपने स्किन की, अपनी एक्ने की ट्रीटमेंट करने वाले हैं। लेकिन ये ट्रीटमेंट में मैं आप लोगों को तीन चीज़ें बताऊंगी। एक तो मैं आप लोगों को फेस टोनर बताऊंगी, एक मैं आप लोगों को ड्रिंक बताऊंगी, और एक मैं बताऊंगी आपको फेस मास्क। तो आप लोगों ने इसको रेगुलर बेसिस पर अप्लाई करना है, और ड्रिंक को पीना है, और इससे फिर आपकी चंद ही दिनों में एक्ने बिल्कुल ख़त्म हो जाने वाली है। तो वीडियो को टिल दी एंड ज़रूर देखिएगा। चलते हैं फर्स्ट रेमेडी की तरफ, यानी कि फेस टोनर बनाने की तरफ। नीम टोनर बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए होंगे कुछ नीम के लीव्स। जिनको नहीं पता कि नीम के पत्ते किस तरह से होते हैं, वो इसको गौर से देख लें और फिर बाहर जाकर इनको ले आएँ। फ्रेंड्स, अब आपने इसकी डंडियाँ अलग कर लेनी है और पत्ते अलग कर लेने हैं, क्योंकि डंडियाँ हमारे किसी काम की नहीं है। अब इनको अच्छे से आपने वॉश कर लेना है, और ताकि इसमें जो भी डर्ट वगैरह लगी हो वो उतर जाए। नीम लीव्स के साथ साथ मैंने लिया है यहाँ पर राइस वाटर। आप लोग भी राइस वाटर ले सकते हैं। राइस वाटर नहीं है तो आप रोज़ वाटर का यूज़ करें। रोज़ वाटर नहीं है तो आपने नॉर्मल टैप वाटर का यूज़ करना है। और इस तरह से आपने एक ग्राइंडर में डालकर इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है।
अब आपने इसे स्टेनर की हेल्प से छान लेना है और इस तरह का आपके पास नीम टोनर बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें मज़ीद एक इंग्रेडिएंट एप्पल साइडर विनेगर जाएगा। एप्पल साइडर विनेगर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ वाला होता है, तो ये हमारे चेहरे से बैक्टीरियाज़ वगैरह को ख़त्म करके एक्नी को सुखा देता है। तो इसके अंदर हाफ़ चम्मच हम लोग एप्पल साइडर विनेगर का ऐड करेंगे और इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको किसी भी स्प्रे बॉटल में निकाल देना है, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा रखी हो। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा तैयार हो गया है नीम टोनर और इससे आपने अपने फेस को क्लीन करना है। ये एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ रखता है। आपकी स्किन से जितनी भी डर्ट है, इम्प्योरिटीज़ हैं, उनको निकाल कर बाहर फेंक देगा और आपका चेहरा नीट और क्लीन कर देगा। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अमेजिंग सा ड्रिंक। ये ड्रिंक आपके ब्लड को प्योरीफाई करेगा, आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, इनफैक्ट ये आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करेगा और आपके जो टॉक्सिन्स हैं उनको भी रिमूव करेगा, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कूल डाउन करेगा और आपके जो पिम्पल्स बनकर निकलते हैं हीट की वजह से, टॉक्सिन्स की वजह से, वो नहीं आएंगे इस ड्रिंक को लेने के बाद। तो इस ड्रिंक को भी आपने अपनी डाइट में शामिल करना है और रेगुलर बेसिस पर दिन में 3 दफ़ा तो इस ड्रिंक को लाजमी लेना है। इस ड्रिंक को बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए होगा एक पैन। इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे 1 कप पानी का और साथ ही इसमें 1 चम्मच या आधा चम्मच आप ऐड करेंगे साबुत धनिया का और आधा चम्मच आपने ऐड करना है इसमें सौंफ का और आधा ही चम्मच आपने ऐड करना है इसमें ज़ीरे का। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स आपके ब्लड को प्योरीफाई करेंगे, हार्मोन्स को बैलेंस करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल में रखेंगे और आप के फैट को भी कम करेंगे। आप इसको एज अ फैट कटर ड्रिंक भी पी सकते हो। तो इस तरह से आपने ये तीनों चीज़ें डालने के बाद इसको ढक कर रख देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए और जब ये अपनी क्वांटिटी का हाफ हो जाए तो आपने इसको स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन कर लेना है और किसी कप में निकाल कर आपने इसको पीना है। आपने इसको दिन में तकरीबन 3 दफ़ा लाजमी पीना है। फ्रेंड्स, जो हम लोग बाहर से लेकर क्रीम अपने फेस पर लगाते हैं वो एक तो एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होती हैं, फिर फ्रेंड्स उससे जो है ना दाग धब्बे हमारे चेहरे पर कहीं ना कहीं रह जाते हैं। तो ऐसा क्योर करें कि आपके दाग धब्बे भी ख़त्म हो और साथ ही साथ आपके पिंपल्स और एक्नी का इशू भी रिजॉल्व हो जाए। तो मैं आपको एक ऐसा फेस पैक बनाना बताऊँगी जो कि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है, जिससे आपकी पिम्पल प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगी और दाग धब्बे भी बिल्कुल नहीं होंगे। इस फेस पैक को बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए होगी मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी नहीं है तो आप नीम पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं और नीम पाउडर भी नहीं है तो आप जो है वो बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अपने फेस के अकॉर्डिंग आपने मुल्तानी मिट्टी 1 चम्मच लेनी है और साथ ही इसके अंदर ऐड करना है नीम टोनर जो कि हम लोगों ने बनाया है। नीम टोनर अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप इसके अंदर रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हो। रोज़ वाटर भी नहीं है तो आप इसमें नॉर्मल टैप वाटर भी ऐड कर सकते हो। तो अब आपका ये फेस पैक अच्छा सा बनकर तैयार हो गया है। ये फेस पैक आपके ऑयल को कंट्रोल करेगा, आपके चेहरे में जो दाग धब्बे पिंपल होंगे, एक्नी होंगे, पीप वाले पिंपल्स निकल आते हैं तो उनको जो है सुखाने का काम करेगा और आपके चेहरे से जितने भी जो पिंपल्स के बाद दाग धब्बे रह जाते हैं उनको भी रिमूव करेगा। तो ये इस तरह से हम लोगों का फेस पैक बनकर तैयार हो गया है। आपने इसको अपने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई करना है, इसको मुकम्मल ड्राई होने देना है और जब ये मुकम्मल ड्राई हो जाए तो आपने इस फेस पैक को टैप वाटर से वॉश कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने अपनी एक्ने की ट्रीटमेंट किस तरह से करनी है, लेकिन आप लोगों ने इस ट्रीटमेंट को बिल्कुल ईमानदारी के साथ करना है, एक भी नाखून नहीं करना। तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको अपने फेस पर बहुत अच्छा जो है फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। आपका फेस बिल्कुल नीट, क्लियर और क्लीन हो जाएगा। आपको कोई भी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको इसको रेगुलर बेसिस पर और ईमानदारी के साथ अपने फेस पर अप्लाई करना है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आप लोग ज़रूर अप्लाई करोगे। अपने रिव्यूज़, अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर करना और मुझे ये बताना कि आप लोग कौन कौन सी वीडियोज़ देखना चाहते हो ताकि मैं नेक्स्ट टाइम आपके मुताबिक आपकी पसंद की वीडियो बना सकूँ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। बाय। लव यू।